बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे YT फैमिली मेरी। तो जी, आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबको वेलकम करती हूँ आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो में ना एक नया गाना मैं अंजाम दे रही हूँ, और आप लोग भी हैरान होंगे क्या दिखा रही है, अजीबो गरीब। लेकिन खैर है, आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए। कि हर बंदे को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, जो कि मैंने भी ट्राई किया। मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, जो कि मेरे कैबिनेट हो रहे थे बहुत ख़राब। और सबसे बड़ी वजह कि मेरे कैबिनेट में हो गए थे काकरोच। हमारा घर सात वालों का घर था, उसका काफ़ी 6-7 मंथ से खाली था, जिसकी वजह से हमारे किचन में काकरोच हो गए। वो नहीं जा रहे थे अगर रमज़ान आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे डर भी लग रहा था कि अगर रमज़ान में नज़र आएंगे तो अंधेरा होता है, लाइट होती सहरी में। इसी वजह से मैं खुद ही कलर पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि कलर कर दूँ, सफाई भी हो जाएगी किचन में और साथ में वीडियो भी बन जाएगी मेरी। तो इसी चक्कर में मैंने कर लिए हैं अपने दोनों कैबिनेट कलर, और इतने प्यारे हुए हैं। मेरे हस्बैंड भी हैरान होंगे कि तुमने किए। मैंने कहा नहीं, किसी और ने किए हैं। जाहिर सी बात है, जब घर पे मैं हूँ तो मैंने ही करने हैं ना। खैर, मैंने किए इतनी मेहनत, पूरे दिन में ये दो कैबिनेट मैंने किए, सफाई हो गई, बहुत थक गई थी। और आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि इंसान करते रहना चाहिए, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हिम्मत होनी चाहिए, जो कि मेरे में अब ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत पकड़ी, मेहनत की, कामयाब हो गई। और आप देखिएगा, ये देखिए, मैं अपने चूल्हे को कर रही थी कलर। देखिए, हो ही रहा मुझसे तो भाई, किसी ना एक्सपर्ट का काम है। ये मेरा येलो कलर का था, जिसको मैंने, ये देखिए अभी नहीं हुआ, यहाँ से रहता है। अभी कर रही थी, लेकिन नहीं, और भी साफ करूँगी। ट्राई कर रही थी कि कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन कर सकता है इंसान के अंदर, कुछ भी कर सकता है। ये मैं करूँगी। यहाँ से मेरा बटन भी टूटा हुआ, तो यहाँ पे ये सूख गया है, ये भी गीला भी है कुछ कुछ। इसके ऊपर एक और लगेगा, एक और दफ़ा होगा तो ये सही हो जाएगा। ये ब्रश से होगा, ब्रश नहीं था मेरे पास, तो मैंने वो मलमल होता है, मैंने उसी से किया है। तो ये देखिए, मेरे चूल्हे का कुछ कर लो। चूल्हा मेरा बहुत ख़राब हो रहा है, नया लेने वाला हो रहा है। जितने इसको साफ़ कर लो, ये साफ़ ही नहीं होता। मैं सोचती इसको कलर ही कर लूँ, तो मैंने किया ये काम करना, मैं अंजाम दिया मैंने। चलो खैर, साफ तो हो गया ना, क्या पे क्या करें भाई। मैंने वीडियो स्टार्ट की, वीडियो बनाई नहीं, बातें कर रही हूँ जी। यहाँ पे मेरा पजामा हो चुका रेडी, ये देखिएगा। मैंने यहाँ पे लेस लगाई है, और कितनी फिनिशिंग के साथ लेस लगी है। ये देखिए, यहाँ पे अभी आयरन करूँगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी मैं करने लगी अपने शर्ट की गला बनाने लगी हूँ, लाइट ना जाए। लाइट बार बार बहुत तंग कर रही है। ये देखिए, पूरा पजामा रेडी है। ये इंजल्ला है, इसके एग्ज़ाम से रही, लेकिन ये तैयारी नहीं करी, बहुत तंग कर रही है। और इसका ये देखिए, स्कूल से उसकी टीचर ने इसको दिया है गुड लक। क्या एग्ज़ाम होने वाले हैं, ध्यान से पेपर करना अपना। अब दुआ करना सब के अंजल्ला के अच्छे से एग्ज़ाम्स हो जाएं, और इसकी दुआ में याद रखिएगा। आप जल्दी से जाओ और एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। यहाँ वहाँ क्या घूम रही हो, और मैं गुनाने लगी अभी गला। मैं ये बना रही थी, लाइट चली गई थी, अभी मैं इसको स्टिच करूँगी। सोचिए, इसको आयरन करो, बार बार आयरन करना मुझे बहुत, सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है, मुझे आयरन करना लगता है। कोशिश करती हूँ कि आयरन के बगैर ही ये काम चला लूँ, लेकिन लगता नहीं। देखिए, लाइट ये लेस हो रही है टेढ़ी मेढ़ी, इसको करूँगी मैं आयरन, फिर इसको लगाऊंगी गले के ऊपर। मेरा पजामा रेडी हो चुका है, अब इसके ऊपर डलेगी इलास्टिक। प्लास्टिक नहीं है, जो कि लानी पड़ेगी। तो फिलहाल इसको ऐसे छोड़ते हैं, उसके बाद हम इसको बाद में देखेंगे। अभी हम करते हैं शर्ट की तैयारी। यहाँ पे मेरा गला हो चुका है रेडी। देखिए, मैंने इस तरीके से मैंने गला बनाया है। अब इसकी मैं करने लगी आयरन, आयरन करके इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो मेरा गला हो जाएगा रेडी। फिर इसको कट करेंगे, यहाँ पे नज़ारा को यहाँ पे कर देंगे कट, फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तरपाई कर देंगे, और ये गला हो जाएगा रेडी। वो प्यारा सा अच्छे से, यहाँ कुछ भी बटन्स वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं अगर लगाना हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैं सिंपल ही बनाऊंगी बस इसको, और बहुत अच्छा सा प्यारा सा गला मेरा बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको करते हैं कटिंग, इस्त्री करते हैं, इसको आयरन करते हैं, ताकि इसकी फिनिशिंग ज़रा अच्छे से आ जाएगी। अगर गले पे फिनिशिंग है तो पानी लगा के आयरन करेंगे तो बहुत अच्छा सा ये लुक आएगा जी फ्रेंड। अब मैंने गला तो मेरा बन चुका है, अब मैं लगा रही हूँ बाजुओं के आगे लैस पजामे के साथ की, जो पजामे पे लगाई थी मैंने वो लगा रही थी। लेकिन मैं आप लोगों से बता रही हूँ कैसे लगाते हैं। मैंने इसकी ग्रीस बिठाई थी ताकि लैस लगाने में कोई प्रॉब्लम ना होती, फिनिशिंग के साथ ऐसे लैस लगती है। तो मैंने वो लगाई, और क्योंकि मेरा वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। बस
बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे सिलाई लगाते हैं इसके ऊपर, अब सिलाई लगाते जाएंगे मशीन के साथ। तो फिर इसको जी यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी थी और इतना अच्छा ही बना था। फिर इसको आयरन से बैठा लिए, फिर यहाँ से गुम सिलाई लगती है, यहाँ से ऐसे इसको पकड़ के इसी के ऊपर दोबारा सिलाई लगाएंगे तो ये गुम सिलाई हो जाएगी। इतनी फिनिशिंग के साथ बाजू दामन पजामे पे लगाएं तो ऐसे ही लगाएं, इतनी फिनिशिंग के साथ ये लेस लगती है, लगती भी बहुत प्यारी है। पता नहीं क्या हुआ, मैं दामने पे लगाते लगाते लैस भूल गई, छोड़ दिया मैंने ऐसे ही। फिर जब फ्री होंगी दिमाग फ्रेश होगा तो फिर करेंगे। तो जी अल्लाह हाफिज़, आज की